अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो आज मैं आया हूँ ईजान के साथ शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो ईजान को भी ना दरगाह पे जाना बहुत ही अच्छा लगता है, और ईजान की अभी है ना तबीयत बहुत ही ख़राब है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। देखो प्रूफ भी दे रहा है। तो आज हम लोग आए हैं ना शेख, तो रुमाल दो उसूले। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि ईजान के लिए दुआ करिए, और हम लोग आए हैं ना कि शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इनके सदके तुफेल अल्लाह से दुआ करने के लिए कि ईजान को ना बहुत जल्दी से यदि आप करें। तो बस मैं यहाँ पे आया हूँ तो सोचा वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि अब वीडियो बनाता हूँ ना तो फिर वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की वीडियो मैंने काफ़ी बार हमारे चैनल पे छोड़ रखी, क्योंकि मैं तो सर के हूँ और यहीं रहता हूँ तो फिर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज हम आए हैं यहाँ पर और वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आज मैं और ईजान आए हैं अहमदाबाद की बुनियाद रखने वाले पहले अहमद शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। ईजान की तबीयत अच्छी नहीं है, वो बीमार है, तो मैं उसे यहाँ दरगाह पर लेकर आया हूँ। हम सुन्नियों का तो यही होता है ना, गम हो या खुशी अल्लाह के वली के दरबार में आकर ही हमको सुकून मिलता है, और ईजान को भी माशाल्लाह बहुत मज़ा आती है। दरगाह पर जाना इसे भी बहुत अच्छा लगता है, और अभी उसको अच्छा नहीं है तो उसे यहाँ लेकर आया हूँ। तो ये भी दरगाह का दीवाना है जैसा मैं हूँ, तो मुझे जैसा सुकून मिलता है शायद ईजान भी ऐसा फील करता होगा आज दरगाह पर आकर। जब हम कभी किसी मुश्किल परेशानी में होते हैं ना, जब किसी की बात की हमको टेंशन हो जाती है, तो हम अल्लाह के वली के दरबार में जाते हैं तो हमें सुकून सा मिलता है। ये फीलिंग्स वही समझ सकता है जिसे अल्लाह के वलियों से मोहब्बत हो। अल्लाह के वली के दरबार में फरिश्ते अपने परों से हवा देते हैं, वो हवा हमें भी महसूस होती है तो हमको भी बहुत सुकून मिलता है। एक मैं मेरी सेहत में तंदुरुस्ती अदा करो, मुझे जल्दी से अच्छा कर दो तो मैं स्कूल जाऊं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका रसूल अल्लाह। अम्मी नाम सूसे, यहाँ आराम फरमा वैसे ये अम्मी नाम शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह है ना, अहमदाबाद की बुनियाद रखने वाले पहले अहमद शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह। ईजान को भी दरगाह पर आकर बहुत अच्छा लगा, मज़ा आई।
और ईजान के साथ ऐसे वक्त बिता कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में का फीस भी देखने वाले थे, है ना ईजान? वो लेकिन यहाँ पे ना होज में से किसी ने फीस है ना चुरा ली है, नहीं? हाँ, किसी ने चुरा ली फीस, तो हम लोगों को फीस मिली नहीं, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ना यहाँ पे आके, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। होज में फीस ही नहीं है, हम लोग फीस देखने आए थे, और टॉयस वाला भी बाहर नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे ना बहुत बड़ा सहन है, तो यहाँ पे हम लोगों को बॉल से खेलना था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो खैर, हमारी ज्यारत तो मुकम्मल हो चुकी है, और अब हम लोगों ने वीडियो भी बना ली है, और अब हम लोगों को कुछ काम भी नहीं है। घर से फ़ोन भी आ गया है, नहीं जान तो अब जाना है घर, घर जाऊँ से बोलने। तो भाई, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद, आप अपना और अपनी फ़ैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ करी दो, टाटा। ईजान, ओए टाटा करी दें, टाटा करी दें, नहीं करूँ कहाँ खोवाई गयो, फीस नहीं देखाई इतने तो नहीं हारूँ। चलो जाइए सी, अल्लाह हाफिज़। ईजान का तो मूड नहीं है।